हेलो फ्रेंड्स, वनस्पति दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज वनस्पति दर्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं गुलमोहर। गुलमोहर का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है और खूबसूरत फूल आते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारी औषधियां पाई जाती हैं जो हमारे शरीर की बहुत ही खतरनाक बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करती हैं। फ्रेंड्स, आज का दौर ऐसा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो इन बीमारियों को जड़ से निकालने के लिए हमें वनस्पतियों का सहारा लेना चाहिए, उनके औषधीय गुणों को अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसके गुणों को अपने ध्यान में रखकर अपनी बीमारियों को दूर कीजिए, क्योंकि गुलमोहर में बहुत सारे महत्वपूर्ण औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो आज हम आपको इसके महत्वपूर्ण औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से गुलमोहर हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता है, तथा इसी के साथ साथ हम आपको इसके पेड़ की पहचान कराएंगे। इस पर किस तरह का फूल तथा पत्ती आती है वो दिखाएंगे, ताकि आप इसकी पहचान अच्छे से कर सकें और इसके बारे में अच्छे से जान सकें। ये गुलमोहर का पेड़ है, ध्यान से देख लीजिए। इस पर रेड कलर की ये फूल आते हैं। इसके फूलों को अगर आप खाएंगे तो आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। तो कब्ज से राहत पाने के लिए आपको इसके फूलों को नियमित रूप से सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपके शरीर पर कहीं सूजन हो रही है तो आपको इसके पत्तों को पीसकर उस सूजी हुई जगह पर लगाएंगे तो आपकी सूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अगर आपको गठिया का दर्द हो रहा है और उस दर्द से आराम नहीं मिल रहा, तो आप इसके पत्तों को अच्छे से पीस कर दर्द की जगह पर लगाएंगे तो आपको दर्द से बहुत जल्दी राहत मिलेगी। ये पेड़ हमारे वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए जगह जगह पर ये पेड़ों की स्थापना की गई है, इनको लगाया गया है, ताकि हमारा वायुमंडल जो है वो दूषित ना हो, शुद्ध रहे और हमें अच्छी वायु प्रदान हो। फ्रेंड्स, ये हैं गुलमोहर के पत्ते और इनको अच्छे से आप पीस लीजिए। अब इन पिसे हुए पत्तों के रस को, इस लेप को, आप अगर आपका शरीर कहीं से पैरालिसिस हो गया है तो उस जगह पर लगाइए। ये पैरालिसिस को ठीक करने में हमारी मदद करता है और पैरालिसिस हुए अंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद उपाय है। तो इस उपाय को ज़रूर प्रयोग में लाइए और अपने पैरालिसिस को दूर करने में अपनी हेल्प कीजिए। इस प्रयोग को कीजिए, गुलमोहर के पत्ते ले लीजिए ज़्यादा मात्रा में, और अगर आपका ज़्यादा अंग जो है पैरालाइज हो रहा है तो ज़्यादा मात्रा में गुलमोहर के फूल ले लीजिए और अच्छे से उनको पीस कर अपने पैरालाइसिस हुए अंग पर लगाइए। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो फ्रेंड्स, ये गुलमोहर से संबंधित पहचान थी, गुलमोहर की पहचान थी तथा उसके महत्वपूर्ण औषधीय गुण थे, महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। आई एम श्योर आपने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से इसकी पहचान की होगी और इसके गुणों को बहुत ही ध्यान से सुना होगा, इसके औषधीय गुणों को बहुत ही ध्यान से सुना होगा। अब इन औषधीय गुणों को अपने दैनिक जीवन में अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाइए और स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कीजिए। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को नीचे दिए गए रेड निशान द्वारा सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तथा और भी अधिक मात्रा में नई से नई और अनोखी वनस्पतियों की जानकारी तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण औषधीय गुणों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इन वनस्पतियों के बारे में अच्छे से जान सके, इनकी पहचान कर सके, इनके महत्वपूर्ण औषधीय गुणों को जान सके और अपने शरीर की बीमारियों को दूर कर सके और एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन तथा स्वस्थ शरीर को पा सके। धन्यवाद।